you own the restaurant, the restaurant is doing well, and he sells, he can sell certain chicken products and he can also sell beef products. तो ये जो पीपीसी कर्व है, ये पीपीसी कर्व चांसेस मोस्ट क्या बता रहा है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बता रहा है, इसकी मैक्सिमम लिमिट बता रहा है. क्या बता रहा है? ये इसकी मैक्सिमम लिमिट बता रहा है कि भाई इतने इतने बीफ और चिकन के प्रोडक्ट्स के बंदा बना सकता है. ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी शो कर रहा है. दिस इज बेसिकली द लिमिट एंड ही कैन प्ले विद इन द लिमिट. He can either make maybe 5,000 chicken products and 4,000 beef products. Maybe he can make 3,000 chicken products and 2,000 beef products. Whatever he makes, noon, it is his choice. इसकी मर्जी. बात क्या आ रही है? हमने एक चीज सीखी. हमने एक चीज सीखी. Number one, PPC is showing what share mano. PPC is showing the maximum number of beef and chicken products he can make. So basically, PPC is kind of showing the limit. इसकी जो लिमिट है प्रोडक्शन की वो ये शो कर रहा है. पॉसिबिलिटी पीपीसी, पॉसिबिलिटी कर्व, पॉसिबिलिटी डायग्राम. तो क्या बता रहा है? इसकी पॉसिबिलिटीज को शो कर रहा है. हाँ भाई, 4,000 चिकन बन सकती है. 1,000 बीफ के साथ हाँ बन सकती है. क्या 3,000 चिकन के साथ 2,000 बीफ बन सकता है? बन सकता है. क्या 500 बीफ के साथ 3,000 चिकन बन सकता है? बन सकता है. क्या 10,000 चिकन बन सकता है? बन सकता है. लेकिन अगर सारा रिसोर्स लग जाए चिकन बनाने में तभी बन सकता है चिकन, वरना चिकन नहीं बन सकती. और अगर 10,000 चिकन बना ली, चांसेस अगर 10,000 चिकन बना ली तो फिर वेरी गुड बीफ नहीं बनेगा. तो उसका मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल चिकन का 10,000 है और बीफ है अपना 0. और मैक्सिमम पोटेंशियल बीफ का सपोज कर लेते हैं 15,000 है और चिकन का 0. तो ये यू कैन प्ले अराउंड द डिफरेंट कॉम्बिनेशन. अंडरस्टूड? मिसाल के तौर पे जैसा निशान, खुदावंद जो है वो पॉइंट ए पर है और पॉइंट ए पे इसके पास जो है वो 7,000 चिकन बनती है विद मे बी 9,000 बीफ आइटम. और इसको लगता ये है इल्सा कि यार चिकन की डिमांड ज्यादा है, बिकॉज चिकन इज अ प्रोटीन राइट एंड इट इज अ हेल्दी आइटम, सो पीपल आर प्रिफरिंग मोर चिकन. सो नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मेक मोर चिकन. तो उसको नूर मिल गया, रास्ते में नूर टकरा गया. नूर बोलता है, नूर टकरा गया उसको. नूर बोलता है यार वो तुम्हें चिकन बना नहीं जाता, बनाओ 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 चिकन बनाओ. लेकिन एक बात है, अगर तुम चिकन बनाओगे ना तो बीफ का क्या सीन है? बीफ तो 9,000 ही बनाओगे. तो ये बोलता है यार बीफ जो है ना मैं 9,000 तो नहीं बना सकता, मैं बीफ मुझे कम बनाना पड़ेगा. ये बोलता है क्यों क्यों? बोलता है भाई मैं ऐसा एक काम करो ना, एक और फैक्ट्री ले लो ना, एक और फैक्ट्री ले लो, चिकन ज्यादा बना लो, बीफ भी उतना ही बनाओ. उसने बोला भाई मेरी पॉसिबिलिटी नहीं है, मेरी पॉसिबिलिटी ये है बस, इसके बाहर कुछ नहीं कर सकता मैं, इसी के अंदर खेलना है, ये मेरी लिमिट है, इसके बाहर कुछ नहीं है. अगर मैं चिकन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है शांसे कि मैं चिकन ज्यादा बना लू और मैं बीफ भी कम ना करूं, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है. आनिया रिसोर्सेज क्या है? मेरे लिमिटेड है. सो आई कैन नॉट मेक मोर चिकन विदाउट फॉर गोइंग बीफ, बिकॉज द पॉइंट इज that if I make more chicken, I have to reallocate my resources from beef production to chicken production. So for example, if he decides that he is going to make 2,000 more chicken items, so what is going to happen? So maybe he reduces the beef production by 3,000. So the opportunity cost of producing 2,000 chicken items is the 3,000 beef products that he is foregoing. तो भाई जान 2,000 चिकन प्रोडक्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 3,000 बीफ के आइटम है जो ये फॉलो कर रहा है. 2,000 चिकन प्रोडक्ट बनाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 3,000 बीफ से आने वाला प्रॉफिट है जो ये फॉलो कर रहा है. अगर ये 3,000 बीफ के आइटम नहीं बनाएगा तो भाइयों क्या होगा? इससे आने वाला सेल का रेवेन्यू नहीं मिलेगा, इससे आने वाला प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इससे आने वाला कस्टमर भी नहीं आएगा, वो डिससैटिस्फाइड. पॉइंट क्या है? ये बेसिकली लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉस ऑफ रेवेन्यू, लॉस ऑफ कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स. 3,000 बीच से आने वाला सारा ये आइटम लॉस हो गया. दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सेट इट, समझ में आ गया? कॉपी कर मैं आ रहा हूं लेकर. लॉस ऐसे ये मैंने फिगर कहां से उठाई? अज्यूम की मैंने अज्यूम की. मैंने कहा 9,000 से 6,000 हो गए, तुम ना लिखो 6,000 यहाँ पे, तुम 6,500 लिखो.
से 9000 बनाए, कितने से बढ़ाए या 9000 लिखे थे, 30 में जो लिख दिया था, तुमने प्रोडक्शन कितने से इंक्रीज की चिकन की, 2000, तो 2000 चिकन कहाँ से तुमने ये 2000 चिकन की यूनिट कैसे बना लिए, बीफ के रिसोर्सेज दिए जो कि बीफ कम हो गया तो बीफ कम करके 6 लिख दो, मैंने फिगर 6000 अज्यूम किया। ज्यादा क्यों फर्क हो रहा है, फॉर्गो हो रहा है, बस फॉर्गो हो रहा है, फॉर्गो क्या हो रहा है, फॉर्गो बीफ हो रहा है, जो फॉर्गो हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द बेनिफिट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर कॉस्ट और द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर। तो चिकन बनाने का नेक्स्ट बेस्ट क्या था, बीफ था ना, या तो चिकन बनाओ या बीफ बनाओ, दो ऑल्टरनेटिव थे, तो ऑब्वियसली अगर चिकन बनाओगे तो बीफ फॉर्गो होगा, दैट्स इट, सिंपल। जी जी बस ए टू बी इसको कनेक्टेड बी टू सी हाँ वो ये लिख दो। सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने बेसिकली रिवाइज करा दिया उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने क्लासेस पहले अटेंड की थी, अब दोबारा मैं नहीं कराऊंगा, तो नेक्स्ट शो हाँ वही लिख दो वही गुड, विच मीन्स कि आप लोगों ने अभी सीख लिया, कहाँ ने सीख लिया, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट जलसा इतना समझ में आ गया, अगर नहीं आया है समय तो मुझसे पूछ रहे हैं, मैं दोबारा समझा दूँगा, ठीक है, जितनी दफा पूछोगे मैं समझा दूंगा। हाँ अगर कोई क्लास मिस की है, नहीं पढ़ा, घर से कुछ नहीं पढ़ा, अपनी गलती की वजह से मुझसे 10 दफा पूछोगे फिर उसमें मुझे पसंद नहीं आएगी, अभी पहली बार समझा रहा हूँ, 10 दफा समझाऊंगा, 20 दफा समझाऊंगा, आगे नहीं पढ़ूंगा, जितनी दफा पूछोगे मैं उतनी दफा बताऊंगा, लेकिन एक दफा समझा दिया और आपको भी समझ में आ गया, और अगली क्लास में आपसे वही सवाल उससे इसलिए पूछा क्योंकि आप रिवाइज करके नहीं आए, तो ये दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम योर एंड, ठीक है जी। The opportunity cost of moving from A to B, that is making and selling 2000 ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी एडिट करके मैं इसको अपने यूट्यूब पर डालूंगा। एक्चुअली आई एम नॉट प्रेफरिंग कि मैं गूगल मीट करूँ, उसकी वजह गूगल मीट के बड़े मसले होते हैं यार, मतलब हाँ नहीं जूम भी, मतलब मेरे आधे आधी क्लास गूगल मीट पे बैठी थी, वहाँ पे आधी हमारे पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ज़रूरी नहीं है तुम बी टू सी भी दिखाओ, वो तो मैंने समझाने के लिए दिखा दिया था कि मैं और प्रोड्यूस कर रहा हूँ। देखो एग्जाम में अगर सुनो मेरी बात, एग्जाम में अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखानी है ना, तो जरूरी नहीं है कि तुम बोलो कि मैं मजीद चिकन के और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, तुम्हें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दिखानी होगी, अरे वो मैं समझाने की बताया था, ठीक है, तो बी टू सी इज नॉट रिक्वायर्ड, वो तो पहली बार जब मैंने समझाया था तो मैंने बी टू सी दिखाया था। कोई बात नहीं, अगर ए ऊपर लिखूंगा तो बी यहाँ लिखूंगा, वो बी ऊपर है, तो ये कोई फिक्स तरीका नहीं है कि ए वाली यही लिखना है, मैं जब एक्स और वाई लिख सकता हूँ। एग्जामिनर को क्या चाहिए कि तुमने ये दिखाया है कि एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है, ये बी सी सही नहीं बना, टेढ़े बना करना, उसको सही बनाया उसको दिला दे। Because we are total of 50 hours in this ratio. Possible. Yes. Good.
बिकॉज दिस इज विद इन आवर लिमिट्स, ठीक है जी। अच्छा अब मिसाल के तौर पे मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, ये बात याद रखना कि यू कैन प्रोड्यूस एनी कॉम्बिनेशन, यू कैन प्रोड्यूस पॉइंट ए, यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ डी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ इस तरह के। अच्छा बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये पीपीसी कर्व जो होता है वो आता कैसे है। ये बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन है ना, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, फिर ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है, सही है, फिर ये कॉम्बिनेशन है और ये एक कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको इन डॉट्स को ज्वाइन कर दूँ तो मेरे पास एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाएगा। पीपीसी कर्व ऐसे बनता है बेसिकली, पीपीसी तो बेसिकली वो जो डायग्राम है जो यू कर्व आ रहा है, ये कर्व कॉम्बिनेशन है बेसिकली। क्या है? कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? ये कर्व क्या है? द कर्व इज अ कॉम्बिनेशन, कर्व्स आर द कर्व इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज representing the combination of two words, ठीक है, done हो गया। अच्छा any point on the curve, चाहे वो point A हो, बदावास, चाहे वो बिलाल point B हो, चाहे वो new point C हो, चाहे वो D हो, या वो point E हो, शाबेश, any point on the PPC curve represents allocative efficiency। There is no idle capacity.